हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्लभ ज्ञान वर्षा इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एपी की सीरीज चल रही है, ठीक है, उसी लेक्चर को मैं आज आगे फिर कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखना, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, पढ़िए क्या लिखा है। टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। इस लाइन का मतलब क्या है? दो एपी की सीरीज है जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है? बराबर, मतलब दो अलग अलग एपी है, दो अलग अलग समांतर श्रेणी है जिनका बीच का अंतर क्या है? समान है। ठीक है, इसके बाद द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, मतलब पहले वाली सीरीज का जो 100वां टर्म है और दूसरी वाली सीरीज का जो 100वां टर्म है, उन दोनों का जो अंतर है वो क्या है? 100 है। यहां तक क्लियर हो पा रहा है? चलिए इसके आगे लिखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, मतलब पहले सीरीज का जो 1000वां पद होगा, दूसरे सीरीज का जो 1000वां पद होगा, उसका अंतर कितना है, उनका डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप आप समझिए आराम से कि कैसे इस क्वेश्चन को डील करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एपी की सीरीज डेवलप कैसी होती है। समझना, यदि किसी एपी का फर्स्ट टर्म यदि ए है, यदि किसी एपी का फर्स्ट टर्म कितना है, ए है, तो अगला टर्म क्या होगा? ए प्लस डी, जहां डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। जहां डी क्या है आपका? कॉमन डिफरेंस। अगला टर्म क्या होगा? ए प्लस टू डी। इसके अगले वाला टर्म ए प्लस थ्री डी। इसके अगले वाला टर्म ए प्लस फोर डी। इसी तरीके से आप एपी की सीरीज डेवलप करते जाओगे। ठीक है, एक बार आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा तो सेकेंड टर्म क्या आएगा? ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या आएगा? ए प्लस टू डी। फोर्थ टर्म क्या आएगा? ए प्लस थ्री डी एंड देन द ए प्लस फोर डी। ठीक है, तो सबसे पहले आप दो एपी की सीरीज कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट एपी की सीरीज देखना, फर्स्ट एपी की सीरीज में कंसीडर कर रहा हूं ए कॉमा ए प्लस बी कॉमा ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी और इसी तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सेकेंड एपी की सीरीज में आपके सामने कंसीडर कर रहा हूं जो स्टार्ट कहां से हो रहा है, बीडी। अब उसने चीज बताया कि इन दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस हो क्या बराबर, मतलब इसका डिफरेंस भी डी होगा, इसका डिफरेंस भी क्या होगा? डी। तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? बी प्लस डी, फिर बी प्लस टू डी, फिर बी प्लस थ्री डी एंड गेट सो ऑन, ये चलते जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन वन समझना। According to the question, आपको पहला क्या बताया कि the difference between their 100 term is 100, मतलब इस सीरीज का जो 100वां टर्म है, मतलब n की वैल्यू, टर्म कैसे निकालते, इस फॉर्मूले से निकालते, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, इस फॉर्मूले से निकालते। अब 100वां टर्म बोला तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 100। इस सीरीज का जो 100वां टर्म है, देखना इस सीरीज का 100वां टर्म कैसे निकालोगे, ए, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, ए, तो ए की जगह ए, 100 माइनस 1 डी, और इस सीरीज का जो 100वां टर्म है, इस सीरीज का 100वां टर्म कैसे निकालेंगे, ए की जगह आप क्या लिखोगे, आप बी, क्योंकि बी इसका फर्स्ट टर्म है, तो बी प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 100 माइनस 1 डी, इसका जो अंतर है वो कितना है 100 है। इस सीरीज का 100वां टर्म, इस सीरीज का 100वां टर्म का डिफरेंस कितना है आपका 100। इसको सॉल्व करते हैं, देखना a प्लस 100 डी माइनस डी, माइनस कॉमन निकालोगे तो b प्लस 100 डी माइनस डी इज इक्वल टू 100। और आगे सॉल्व करो, a प्लस 100 डी माइनस डी, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी माइनस 100 डी और माइनस माइनस प्लस डी कितना आएगा 100। देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है,
100 से माइनस 100 वाला कैंसिल आउट हो गया, मतलब प्लस 100 से माइनस 100, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास? देखना यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या क्या बचा आपके पास, ए माइनस सॉरी ए माइनस बी बराबर 100, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ठीक है, इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म, मतलब इसका जो 1000वां पद है और इसका जो 1000वां पद है उसका अंतर कितना आएगा, चलो देखते क्या आएगा। इक्वल टू इसके 1000, मतलब एन बराबर अब क्या लेना है आपको, 1000, एन बराबर अब कितना लेना, 1000, तो इसका 1000वां टर्म क्या होगा, देखना ए प्लस 1000 माइनस 1d, और इसका जो 1000वां टर्म आएगा बी प्लस 1000 माइनस 1d। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका 1000वां टर्म ए प्लस 1000 माइनस 1d, और ये होगा आपका बी प्लस 1000 माइनस 1d। ठीक, इसका डिफरेंस आपसे पूछा है, इसका डिफरेंस निकाल लेते, क्या आएगा ए प्लस ये कितना आएगा 999d माइनस बी प्लस माइनस माइनस 999d। ठीक है, प्लस के 999d से माइनस का 999d कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना ए माइनस बी। ठीक है, और ए माइनस बी की वैल्यू कितनी, 100, मतलब आपका आंसर कितना आ गया, 100, आपका आंसर कितना आया, 100। ठीक है, क्लियर हो गया किस तरीके से करा इस क्वेश्चन को डील। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, देखो और एक बार समझाता हूँ क्या बोला आपको, दो एपी कंसिडर करने बोला, दो एपी इस तरीके से कंसिडर करने बोला कि जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, बराबर हो, तो आपने दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या लिया, डी और डी लिया। ठीक है, अब उसके बाद उसने कंडीशन रखी कि इसका जो 100वां टर्म है और इसका जो 100वां टर्म है उसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 है, तो मैंने पहले सीरीज का 100 टर्म, दूसरे सीरीज का 100वां टर्म का डिफरेंस कितना लिया, 100। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करा तो इसमें कंक्लूजन क्या निकला, ए माइनस बी इज इक्वल टू द 100। उसके बाद क्या पूछा, इस सीरीज का 1000वां टर्म, इस सीरीज का 1000वें टर्म का अंतर, तो पहले सीरीज का 1000वां टर्म ये रहा, दूसरे सीरीज का 1000वां टर्म ये रहा, उनके बीच का क्या निकालना है, डिफरेंस या अंतर, ए प्लस 999d माइनस बी प्लस माइनस माइनस 999d, पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, बचा गया ए माइनस बी, और ए माइनस बी आपका क्या निकाला था, 100, दैट इज द आंसर। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या लिखा है, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, ऐसे कितने थ्री डिजिट नंबर है जो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब देखना इस क्वेश्चन को आप एपी की हेल्प से विद इन सेकेंड या बहुत जल्दी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, आपको ऐसे थ्री डिजिट नंबर बताने हैं जो 7 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो, पूरी तरीके से भाग चले जाए। अब एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि थ्री डिजिट नंबर चालू कहां से होता है, क्योंकि एपी को यदि नंबर ऑफ टर्म निकालना है, नंबर ऑफ यदि टर्म निकालना है, तो आपको एपी की सीरीज चाहिए। अब एपी की सीरीज बनाने के लिए थोड़ा सा सोचो कि थ्री डिजिट का नंबर पूछा, तो थ्री डिजिट का नंबर चालू कहां से होता है, थ्री डिजिट का नंबर 100 से चालू होता है, क्योंकि 100 में कितने डिजिट होते हैं, थ्री डिजिट होते हैं, तो थ्री डिजिट का नंबर आपका कहां से चालू होता है, 100। अब देखो कि 100 7 से भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, 101 7 से भाग जाता है क्या, ये भी नहीं जाता है, 102 ये भी नहीं जाता है, 103 ये भी नहीं जाएगा, 104 ये भी 7 से भाग नहीं जाता, 105 105 को देखना, 105 आपका 7 से भाग जाता है, 7 बन जाए 7 कितना आया, 3, 7 5 जा 35, 15 बार कट गया, मतलब 105 जो है आपका 7 से डिविजिबल है,
मतलब आपकी सीरीज कहाँ से चालू होगी, 105 से। आपकी सीरीज कहाँ से चालू होगी, 105। अब यदि आपको पहला नंबर मिल गया उसके बाद आपकी सीरीज ऑटोमेटिकली डेवलप होती जाएगी। अगला कौन सा नंबर आएगा जो 7 से भाग जाएगा, तो इस नंबर में 7 जोड़ दो तो कितना आएगा, 112। इसी तरीके से देखो, इस सीरीज का लास्ट डिजिट भी पता चल जाए तो आपको नंबर ऑफ टर्न पता चल जाएगा। इसी सीरीज का यदि लास्ट डिजिट आपको पता चल जाए तो आपको नंबर ऑफ टर्न पता चल जाएगा। ठीक है, फिर से बता रहा हूं मैंने क्या करा, मैंने ये पता करा कि 3 डिजिट नंबर चालू कहां से हो रहा है, 100 से। अब 101, 102, 103, 104 ये 7 से भाग नहीं जाते, 7 से भाग कौन जाता है, 105। तो मैंने 105 को पहला डिजिट लिख लिया। यदि आपको पहला डिजिट मिल जाए तो इसके बाद 7 जोड़ोगे तभी ये 112 आएगा जो कि 7 से डिविजिबल आएगा। फिर यदि आपको अगला नंबर पता करना है तो फिर इसमें 7 ऐड कर दो, तो दैट इज द 119, ये इसका थर्ड डिजिट आ जाएगा। इसी तरीके से आपको लास्ट डिजिट पता करना है तभी आपको नंबर ऑफ टर्न पता चलेगा। अब लास्ट डिजिट कैसे पता करोगे, तो आप सोचो कि 3 डिजिट का नंबर खत्म कहां पर होता है, 3 डिजिट का नंबर खत्म कहां पर होता है, 3 डिजिट का नंबर 999 पे खत्म होता है। कितने पे खत्म होता है, 999। लेकिन 999 है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर चेक करो 998, ये भी 7 से भाग नहीं जाएगा। 7 एकम 7, 2 बचा 7 चौक 28, कितना बचा 1, 7 दूनी 14, 4 बच रहे रिमाइंडर, मतलब ये भी भाग नहीं जाएगा। 997 चेक करो, 7 बचा 7 लास्ट में 17 बच रहा है, तो 17 बच रहा है, तो 7 दूनी 14, 17 में से 14 गए तो 3, इसमें भी भाग नहीं जा रहा है। 996 16, 16 में से 14 गए तो 2 बच रहा है, मतलब ये भी भाग नहीं जाएगा। 995 15 में से 14 गए तो 1 बचा, तो ये भी भाग नहीं जाएगा। फिर लास्ट का बचेगा आपका 994। तो देख रहे ये नंबर 7 से डिविजिबल है, कैसे, 7 बचा 7 1 बचा, 7 बचा 7 2 बचा, 7 4 जा 28 1 बचा, 7 2 जा 14, मतलब ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो आपका लास्ट डिजिट क्या आ गया, 3994। आपका लास्ट डिजिट क्या आ गया, 3994। ठीक है, अब किसी भी सीरीज का लास्ट टर्म अवधि गिवन हो और इसकी पोजीशन पता चल जाए तो उतने ही नंबर ऑफ द टर्म होंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये होता है। अब टी एन की वैल्यू आपको जिसका पोजीशन निकालना है उसकी वैल्यू यहाँ पर रखो, आपको 994 का पोजीशन निकालना है तो 994 को यहाँ पर रखा, ए की वैल्यू कितनी है 105 प्लस एन की वैल्यू आपको निकालना है माइनस वन डी, और डी कितना है आपका, डिफरेंस कितने का आ रहा है सभी में 7 का, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। फिर क्या करोगे, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस 17, इसको माइनस करेंगे तो 14 में से 5 गए तो 9, 8 और ये आपका आ गया 8 बराबर एन माइनस 7, एन माइनस 1 इंटू 7। इससे इसको कट करके देखो, 7 बचा 7 1 बचा, 7 टू जा 14 4 बचा, 7 7 जा 49, तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 127, तो एन बराबर 127 प्लस 1 एन बराबर 128, यही क्या इसका फाइनल आंसर। तो एन की वैल्यू कितनी आई, 128। मतलब 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है, तो 3 डिजिट के 128 नंबर ऐसे हैं जो 7 से कम्प्लीटली क्या है, डिविजिबल है। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है, चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए क्या लिखा है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, 10 एंड 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 4 के क्या है, मल्टीपल है। 4 के मल्टीपल होने का मतलब क्या होता है, 4 के मल्टीपल होने का मतलब 4 से डिविजिबल है, जो संख्या 4 का मल्टीपल होगी वो 4 से डिविजिबल होगी, मतलब टोटल मिला के आपसे पूछा क्या है, 10 से 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर है
जो फोर्स से डिविजिबल है। अभी जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन करा था कुछ इसमें इस लाइक दिस, ठीक। तो आपसे पूछा क्या है टोटली ओवरऑल 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 4 से क्या है डिविजिबल, ठीक है। तो देखना कैसे करेंगे, 10 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। 4 टू जा 8, दो शेष बचेगा। फिर अगला नंबर आता है 11, 11 भी 4 से डिविजिबल नहीं है। फिर अगला नंबर क्या आता है 12, 4 से डिविजिबल है, मतलब आपकी सीरीज स्टार्ट कहां से होगी 12 से। फिर एक बार यदि आपको फर्स्ट टर्म मिल जाए उसके बाद सभी में क्या ऐड करते जाओ 4, इसमें 4 ऐड करोगे तो 60, फिर इसमें 4 ऐड करोगे तो 20, इसी तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। अब आपको पता करना है लास्ट डिजिट, यदि आपको लास्ट डिजिट पता चल जाए तो आप पता कर लोगे कि इस पूरे सीरीज में कितने नंबर ऑफ द टर्म है, ठीक है। तो आपको लास्ट डिजिट के लिए क्या देखे रखा है 250, अब चेक करो 250 4 से डिविजिबल है क्या, 6, 4, 6 जा 24, एक रिमाइंडर बचेगा, 4, 2 जा 8, दो रिमाइंडर बचेगा, मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं है। इसके बाद चेक करो 249, 250 के पहले क्या आता है 249, 249 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। 4, 6 जा 24, 4, 2 जा 8, एक बचेगा रिमाइंडर, मतलब ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। अगला नंबर क्या आएगा 4, 2, 2, 4, 8, 4, 6 जा 24, 4, 2 जा 8, मतलब ये नंबर डिविजिबल है, मतलब आपका लास्ट डिजिट क्या है 248, आपका लास्ट नंबर क्या है 248, ठीक है। तो यदि आपको लास्ट नंबर की पोजीशन पता चल जाए तो आपको पता चल जाएगा कि इस सीरीज में कितने नंबर ऑफ द टर्म है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Tn = a + n - 1d, ठीक है। अब Tn, Tn की जगह क्या रखते हैं, जिसकी पोजीशन आपको निकालनी है वहां पर क्या रख दो Tn, आपको 248 की पोजीशन निकालनी है तो यहां पर क्या रखो 248 बराबर फर्स्ट टर्म कितना है आपका 12 प्लस n आपको निकालना है और d की वैल्यू आपकी 4 है, तो 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 कितना आएगा 4, ठीक है। अब इसमें से गया तो 6, 3, 2 दैट इज द n माइनस 1 4, ठीक है। और आगे देखो इसको सॉल्व कर ले, 4 से पर कट करके देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 3 बचा 4 9 जा 36, कितना है 59, 59 इज इक्वल टू n माइनस 1, n की वैल्यू 59 प्लस 1 n बराबर 60, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 60, 60 का मतलब क्या है 10 और 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर है जो 4 के मल्टीपल भी है और 4 से डिविजिबल भी है, मतलब जो नंबर यदि 4 का मल्टीपल होगा वो 4 से तो डिविजिबल ही होगा। तो 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 4 के मल्टीपल है, देयर आर द 60 नंबर आर बिटवीन द 10 टू 250, क्लियर हो गया इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला बड़ा सा ही प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, मतलब m का मान क्या होगा, आर द nth टर्म ऑफ 2ap 63 65 67, और दूसरी ap कितनी आपकी 3 10 17 आर इक्वल, मतलब आपके पास दो ap की सीरीज, सबसे पहले ap की सीरीज लिख लो ap1, ठीक है। AP सीरीज 1 कितना है 63 65 67, 63 65 and 67, that was so on, ठीक है। दूसरी AP की सीरीज कितनी है आपके 3 10 और 17, 3 10 17 and get so on, इसी तरीके से बढ़ती जाएगी। अब क्या कह रहा है, इसका जो nth टर्म है और इसका जो nth टर्म है वो दोनों क्या है इक्वल है, तो आप n की वैल्यू निकाल लो, सिंपल क्वेश्चन है। इसका nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो इसका nth टर्म क्या होगा, a की जगह कितना रखोगे, इसका फर्स्ट टर्म कितना है 63 प्लस n माइनस 1 इज इट इज
डी कितना है देखना, 65 में से 63 गया तो 2 बचा, तो डिफरेंस कितना है 2। किसके इक्वल है, इसके nth टर्म के इक्वल है, तो इसके nth टर्म क्या होगा, a की जगह कितना रखोगे 3 प्लस n माइनस 1, और d की कितना है 10 में से 3 गया तो 7। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। n n को अलग कर लो, नंबर को अलग कर लो, तो ये हो गया आपका 61 प्लस 2n बराबर माइनस 4 प्लस 7n। ये इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कैंडल 65 और 7 में से 2 गया तो कैंडल 5n। ये इससे कितनी बार जाएगा 13 बार, तो n की वैल्यू कितनी है 13, n की वैल्यू कितनी है 13। क्लियर हुआ कैसे करा, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका nth टर्म और इसका nth टर्म क्या है, दोनों बराबर है तो n की वैल्यू निकालो, सिंपल है। इसके nth टर्म को लिखा, इसके nth टर्म को लिखा, दोनों को इक्वल कर दिया, फिर n वाले को अलग कर लो, विदाउट n वाले को अलग कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए और इस लेक्चर को एंजॉय करिए। यदि इस लेक्चर में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बाय कमेंट आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।